अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं एक चाइनीज़ डिश, तो चलते हैं उसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ। मैं चिकन कैश्यू नट्स बना रही हूँ आज। यहाँ पे मैंने हाफ के जी चिकन ली है, बोनलेस चिकन है ये। इसमें लेग और चेस्ट दोनों साइड का जो है वो मैंने बोनलेस कर ली है, और छोटे छोटे क्यूब्स के फॉर्म में इसको कटिंग कर ली है। एक अंडा लिया है, 2 टेबल स्पून लेवल जो है वो मैंने कॉर्नफ्लावर लिया है, और हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर और हाफ टी स्पून सॉल्ट लिया है। यहाँ पे 2 टेबल स्पून के करीब मैं इसमें सोया सॉस ऐड करूँगी, और 1 टीस्पून के करीब मैं इसमें लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी। यहाँ पे हमने लहसुन का पेस्ट ऐड किया, दो टेबल स्पून सोया सॉस, सॉल्ट एंड पेपर, एक अंडा। इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। इसको मिक्स करके तो हम 10-15 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे, फिर इसको फ्राई करेंगे। यहाँ पे इसमें मैं 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर ऐड कर रही हूँ। चलें जी, अच्छे से मिक्स हो गया। यहाँ पे मैं इसको 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ रही हूँ, फिर इसको फ्राइंग की तरफ लेके चलेंगे। यहाँ पे इसको हम फ्राई कर लेंगे। आपने इकट्ठा सारा नहीं डालना, क्योंकि इसमें जो कॉर्नफ्लावर डला हुआ है उसकी वजह से ये एक दूसरे के साथ स्टिक हो जाता है। इसकी साइड आपने अभी नहीं चेंज करनी है, जब नीचे से हल्का सा पकेगा तो खुद ये ऊपर उठ जाएगा, और फिर इसकी हम साइड चेंज करेंगे। इसने नीचे से खुद ही पैंदे को छोड़ दिया है, और अब मैंने इसको हिलाया है। आप देखें बिल्कुल भी नीचे नहीं है चिपका। इसी तरह हम सेकंड जो पोर्शन है उसको भी ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे चिकन बिल्कुल फ्राई हो गया, हमें इसको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। इसको हम अलग प्लेट में निकाल लेंगे। ये चिकन भी फ्राई हो गया है। इसके बाद हम अपने सॉस की तैयारी करते हैं। इसके साथ हम एग फ्राइड राइस भी बनाएंगे। चावलों को मैंने बॉयल होने के लिए रखा हुआ है। चिकन हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है, मैंने अलग निकाल के रख लिया है। तो अब हम इसकी सॉस की तैयारी करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे हम अपनी सॉस तैयार कर लेते हैं। पहले मैंने सिंपल जो थी वो सोया सॉस यूज़ की है मैरिनेशन में, लेकिन इसमें हम डार्क सोया सॉस यूज़ करेंगे। यहाँ पे 2 टेबल स्पून मुझे डार्क सोया सॉस चाहिए। ये सब सॉसेस मिलके टेस्ट को मज़ीद इन्हेंस कर देंगी। 1 टेबल स्पून सिराचा सॉस ले रही हूँ मैं। मुझे वैसे बेसिकली 2 टेबल स्पून चाहिए, लेकिन 1 टेबल स्पून मैं हॉट सॉस यूज़ करूँगी। आप लोगों जिनके पास सिराचा सॉस नहीं है वो हॉट सॉस भी यूज़ कर सकते हैं। चिली सॉस यूज़ कर रही हूँ मैं नंडोज़ की, 1 टेबल स्पून। ये मेरे पास ओस्टर सॉस है, ये भी 2 टेबल स्पून। ये थिक होती है सोया सॉस से, और इसको बाहर नहीं रखना आपने, इसको फ्रिज में रखना है।
1 टीस्पून हनी इस्तेमाल करूंगी मैं इसमें। और इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। लाल मिर्चें हैं, कश्मीरी मिर्च है, इसके बीच में अलग कर दूंगी और ये मिर्चें जो है इसमें शामिल कर दूंगी। ये मैंने पहले से कटिंग करके रखी हुई हैं ताकि इसके सीड्स अलग कर सकूं। सिर्फ आपने मिर्चों को ऐड करना है, इसके सीड्स नहीं ऐड करने। इसको भी इसी में मिक्स कर लेंगे। इसमें थोड़ी सी मैं चिकन स्टॉक ऐड करूंगी। यहाँ पे मैं 1 टेबलस्पून के करीब हॉट सॉस ऐड कर रही हूँ, ये ऐड करनी रह गई थी। और इसमें 1/2 कप जो है मैंने चिकन स्टॉक यूज़ की है। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब चलते हैं इसकी कुकिंग की तरफ। यहाँ पे मैंने पैन को गर्म होने के लिए रख दिया था। मैं इसमें कुछ कैश्यू नट्स डालूंगी और एलमंड्स डालूंगी। मैं कैश्यू नट्स के साथ एलमंड्स भी यूज़ कर रही हूँ, आप सिर्फ कैश्यू नट्स भी यूज़ कर सकते हैं। इसको हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे और फिर निकाल लेंगे। मैंने सॉस में जो डार्क सोया सॉस यूज़ की है, अगर आप लोगों के पास अवेलेबल नहीं है या नहीं मिल रही है जो भी है, तो उसमें आप सिंपल सोया सॉस भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये जो थाई सॉसेस होती हैं, इनका टेस्ट एक अपना होता है। हनी की जगह आप ब्राउन शुगर भी यूज़ कर सकते हैं, वाइट शुगर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हनी के साथ टेस्ट का अपना एक जो है वो मज़ा है। ये देखिए, आप हल्का हल्का सा ये रोस्ट होने लग गए हैं। इसके साथ यहाँ पे मैं कुछ जो सॉल्टी है वो भी ऐड करूँगी। ज़रा कलर के लिए अच्छे लगते हैं। यहाँ पे एलमंड्स और कैश्यू नट्स दोनों जो हैं वो अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। मैं अब इनको रिमूव कर लूँगी। यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल लिया। एक मीडियम प्याज मैंने बहुत बारीक चॉप किया है, ये इसमें ऐड किया। ये सॉस हमें बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं बनानी और बहुत ज़्यादा रनी भी नहीं बनानी, सॉसी सी ना हो, मीडियम सी रखनी है। वन टीस्पून मैं इसमें लहसुन का पेस्ट यूज़ कर रही हूँ और 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट। अदरक का पेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ करेंगे।
यहाँ पे हमने ये जो सॉस तैयार की थी मैं ये इसमें ऐड कर रही हूँ। हाफ टी स्पून के करीब ब्लैक पेपर ऐड करूंगी। और हाफ टी स्पून के करीब वाइट पेपर। ये सॉस हल्की सी जब पकने लगेगी तो हम इसमें चिकन और वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। सॉस पक लग गई है, मैंने नमक इसका टेस्ट किया है, इसमें मैं पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड करूँगी, मुझे कम लग रहा है। आप लोग भी यहाँ पे ज़रूर चेक कीजिएगा क्योंकि सॉसेस में भी सॉल्ट होता है, इसलिए मैंने सॉसेस के साथ सॉल्ट ऐड नहीं किया था। यहाँ पे जो चिकन हमने फ्राई किया हुआ था वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। चिकन के साथ वेजिटेबल्स ऐड कर दूंगी। वेजिटेबल्स को हमने बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है ताकि इनका कलर ख़राब ना हो। एक टमाटर भी मैंने काट के रखा हुआ है, उसके सीड्स वाला पोर्शन जो सेंटर पार्ट है वो आपने इसमें ऐड नहीं करना, जो साइड्स हैं वो आपने करनी है, वो बिल्कुल जब रेडी हो जाएगा तब ऐड करूँगी क्योंकि टमाटर जो है वो जल्दी सॉफ्ट हो जाता है। यहाँ पे इसको आपने हाई फ्लेम भी बनाना है। क्योंकि हमारी हर चीज़ तैयार हो रही है, सिर्फ हमने अपनी सॉस को थोड़ा सा पकाना है। यहाँ पे ये अच्छे से पकने लग गया। हाफ टी स्पून जो कॉर्नफ्लोर है वह इसके ऊपर मैं छिड़कूंगी और इसको आप अच्छे से जल्दी से मिक्स कर लेंगे। क्योंकि इसको हमने बहुत ज़्यादा सॉसी भी नहीं बनाना और बहुत ज़्यादा ड्राई भी ना हो ताकि राइस के साथ खाया जा सके। ये जो हमारे कैशू नट्स है ये इसमें ऐड करेंगे। ये टमाटर मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काटे हुए थे ये इसमें ऐड करेंगे। हमारा चिकन कैश्यू नट्स बिल्कुल तैयार है। आप लोग इसको भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे इसका फीडबैक दीजिएगा। आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। नहीं जी, हमारा चिकन कैश्यू नट्स बिल्कुल तैयार है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। यहाँ चावलों के लिए मैंने दो अंडे लिए हैं और उसमें हाफ टी स्पून मैं ज़ीरे की ऐड कर रही हूँ। एक पिंच ब्लैक पेपर। एक पिंच ही सॉल्ट। इसको अच्छे से हम फेंट लेंगे। मैंने यहाँ पे सब्ज़ मिर्च और लहसुन काटा हुआ है स्लाइस बारीक बारीक किया हुआ है। आप चाहें तो ये सब्ज़ मिर्चें इसमें भी ऐड कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट उसमें भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने मुझे थोड़ा सा सोया सॉस चाहिए होगा, थोड़ा सा सिरका चाहिए होगा और साथ सब्ज़ मिर्च, लहसुन और अंडे, दो अंडे लिए हैं मैंने। तो चलते हैं अब चावलों को बनाने की तरफ। यहाँ पे मैंने तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के करीब जो है वो कुकिंग ऑयल ली है और मैंने एक पिंच ज़ाफ़रान को सिर्फ 1 टेबल स्पून में दूध में भिगो के रख दिया। इसमें हम ये लहसुन और सब्ज़ मिर्च ऐड करेंगे।
यहाँ पे 1 टेबल स्पून मैं देसी घी ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे लहसुन और ग्रीन चिली अच्छे से सोते हो गई है। मैं इसमें ये 2 अंडे डाल रही हूँ। इसको आपने मुसलसल हिलाते रहना है क्योंकि हमने इसका ऑमलेट नहीं बनाना। यहाँ पे 1 टीस्पून मैंने सिरका लिया है, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून। आप चाहें तो अंडे में फूड कलर भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने यूज़ नहीं किया। यहाँ पे मैं ये राइस ऐड कर रही हूँ। आप इसको सिंपल स्टिकी राइस के साथ भी जो है यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे चूल्हा मैंने बंद कर दिया। ब्लैक पेपर और ये जो दूध में मैंने ज़ाफ़रान ऐड किया था, बिल्कुल 1 टेबल स्पून दूध है, ज़्यादा नहीं है। इसको मैं कवर कर दूंगी, सिर्फ मैंने इसको कवर करना है। नीचे से स्टोव मैंने बंद कर दिया, तो हमारे जो ये गार्लिक राइस हैं ये तैयार हैं।